सर्वे के नाम पर किसी को परेशान या उससे दोहन शोषण या वसूली का खेल कतई स्वीकार नहीं होगा। ऐसे लोगों पर नजर है, उस पर कार्रवाई भी होगी, उसकी संपत्ति भी जरूरत पड़ेगा तो जब्त होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी थके हारे रिजेक्टेड भाव में अपने को दौर में सम्मिलित कर रहे हैं। पिताजी के प्रकाश से प्रकाशित कब तक होते रहेंगे, रोशनी की लौ घटते जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल दीपावली का त्यौहार था, तमाम लोग दीपावली का त्यौहार मनाए, पर बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, इसको लेकर कई तरीके के जो बातें हैं वो भी निकल के सामने आ रही है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जमीन सर्वे को लेकर बड़ा बयान दे दिए। देखिए, जो अधिकारी हैं जो गलत कर रहे हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, दीपावली के ठीक बाद जमीन सर्वे को लेकर किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिनका जमीन है उनके पास ही रहेगा। देखिए, तमाम जो बात है वो विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम बातों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। उतना ही नहीं, बिहार में NDA की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। अब देखिए, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे ये सब दिखावा है। अब विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी CM है, तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि तेजस्वी या महागठबंधन के लोग क्या कुछ कहते हैं, पर जमीन सर्वे हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उतना ही नहीं, RCP से जो एक समय में नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते थे, उन्होंने अपनी पार्टी का घोषणा कर दिया। अब देखिए किस तरीके से जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। RCP सिंह हो या फिर जमीन सर्वे हो या तेजस्वी यादव हो, क्या कुछ कर, ठीक देखिए आप इस वीडियो। जन कल्याण आज आपने कह सकते कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं लोगों की वो जन कल्याण संवाद में कल दीपावली की हमारी शुभकामना सबको था, फिर भी काफी संख्या में आज लोग आए और बहुत सारे जमीन के सर्वे के विषय को लेके आए। सर्वे के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से विषय को देख रहे हैं। सर्वे कार्य में लगे हुए पदाधिकारी कर्मचारी विभाग के माननीय मंत्री ने निर्देशित किया है स्पष्ट कि कोई गड़बड़ी करेंगे बख्शे नहीं जाएंगे, और सर्वे के नाम पर किसी की जमीन से बेदखली नहीं होगा। सर्वे में जो जुनून होगा उसी को इसका हक और लाभ सरकार पंजीकृत करेगा, चाहे जितना भी समय लगे। सर्वे के नाम पर किसी को परेशान या उससे दोहन शोषण या वसूली का खेल कतई स्वीकार नहीं होगा। सरकार की मंशा साफ है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास सर्वे लैंड या बहुत सारे कागजात नहीं उपलब्ध है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सारी चीज को मैं पारदर्शी करना चाहता हूं, और उस पारदर्शिता के कारण जो कदम उठाया गया उसका साइड इफेक्ट में कुछ लोग कमाई का माध्यम बनाया है, वो माध्यम कतई स्वीकार सरकार को नहीं होगी। ऐसे लोगों पर नजर है, उस पर कार्रवाई भी होगी, उसकी संपत्ति भी जरूरत पड़ेगा तो जब्त होगी। छठ पूजा में शामिल होने के लिए बड़ी तैयारी BJP की तरफ से भी की जा रही होगी, क्योंकि गंगा घाट से वो दर्शन करेंगे छठ पूजा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी पटना की धरती पर लंबे समय तक
शिक्षा भी ग्रहण किए, उनके पिताजी भी रहते थे, उनका जन्म भी है और आज बिहार के प्रति जो उनका लगाव है, बिहार के प्रति सांस्कृतिक विरासत से जो उनका जुड़ाव है और भगवान भास्कर का छठ पूजा के अवसर पर वो पटना आ रहे हैं, ये बिहारी के लिए, हर बिहारी के लिए गर्व का विषय है। और निश्चित तौर पर उनका आगमन कहीं न कहीं भगवान भास्कर के नई ऊर्जा के संचार का, बिहार के डबल इंजन की सरकार का एक नए प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाने का शुरुआत है। तेजस्वी यादव झारखंड में चुनाव प्रचार में हैं और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जो जंगल और जमीन की जो बात बीजेपी करती है वो निभानी है, कहीं कहीं आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी थके हारे रिजेक्टेड भाव में अपने को दौर में सम्मिलित कर रहे हैं। पिताजी के प्रकाश से प्रकाशित कब तक होते रहेंगे, रोशनी की लौ घटते जा रही है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और झारखंड में उनकी बहुत महत्ता या पूछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड नहीं पूरे देश में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि देश के मान सम्मान स्वाभिमान मां भारती के संतानों के विकास और कल्याण के लिए समर्पित है, सेवा के भाव से काम करता है। मेवा खाने वाले परिवारवादी वंशवादी लोग घबराहट में। तेजस्वी यादव एनडीए की बैठक को दिखावा बता रहे हैं, घबराहट में है, उनकी उम्मीद टूटते जा रही है, चोर दरवाजे से सत्ता में प्रवेश की जो लालसा अलोलुपता है वह समाप्त हो रहा है, क्योंकि लालटेन का तेल खत्म हो रहा है और लौ बुझने के कगार पर है, इनकी बेचैनी से साफ झलक रही है। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाई है, आप लोग साथ थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी बना करके बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सैकड़ों पार्टी बिहार के अंदर, हजारों पार्टी देश के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता दो चार पार्टी को ही अपना विश्वास देती है और विश्वास करती है। इसलिए लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जो सबका साथ सबका विकास वही सबका विश्वास प्राप्त करता है। तो अभी आप विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जमीन सर्वे पर जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उन पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और कह रहे हैं कि बचेंगे नहीं, जो गड़बड़ करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, सख्त आदेश दिए हैं कि कोई गड़बड़ ना करे, जो गड़बड़ करेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि अधिकारी का जो शिकायत है वो लगातार मंत्री तक पहुंच रहा है, तो जो मंत्री है वो लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। पर बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है और जमीन सर्वे को लेकर जो विपक्ष के नेता है वो इसको मुद्दा भी बनाकर रखे। देखिए, जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि जमीन सर्वे के दौरान पैसों का खेला भी हो रहा है, उगाही भी हो रही है। देखिए किस तरीके से कई जो अधिकारी हैं उनका वीडियो भी वायरल हो रहा था, पर देखिए किस तरीके से जो मंत्री दिलीप जायसवाल है वो एक्शन भी लेते हैं। फिलहाल विजय कुमार सिन्हा, जमीन सर्वे हो या फिर तेजस्वी यादव का बयान या फिर आरसीपी सिंह के पार्टी लॉन्चिंग पर क्या कुछ करे थे, वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि अब आगे क्या होता है। देखिए, उप मुख्यमंत्री अपनी बातों को रख रहे थे, किस तरीके से जवाब दिए वो भी आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।